नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में पुनः एक बार स्वागत है। तो हम लोग इस समय चल रहे हैं दोस्तों राजनीतिक विचारक के अंतर्गत जो तीसरी कड़ी है हमारी, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो में आप लोग ने देखा, ठीक है, राजनीतिक विचारक के अंतर्गत जो UGC के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित सारे प्रश्न उत्तरों को हम लोग यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था शांति सुरक्षा पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की अवस्था थी, उसकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि उसने अधिकारों को लागू करने वाले मजिस्ट्रेट का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था के इस प्रकार का चित्र प्रस्तुत किया है, तो किसने किया है? वो लॉक ने किया था। संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन था? वो लॉक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करना है इसमें सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकेंड का। तो इसमें हम लोग जो मिलान करेंगे वो है ए का, ठीक है। कह रहा है कि ए का थ्री, ए का जो तीसरा है, ठीक है, ये देखेंगे क्या कह रहा है। तलवार के बिना प्रसन्नता मात्र शब्द है, तो किसका है? ये हाफ्स का है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे बी का चार, ठीक है, बी का देखेंगे चौथा। तो व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, बी का है चौथा। तो ये रूसो का है, ठीक है। अब बचा आपके दो, तो कह रहा है कि उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बन सकती है, राज्य नहीं, ठीक है। तो ये सी का पहला है, ये बोंदा का है। और बचा एक आपका, ठीक है, जो बचा वो है मिल का, दूसरा आपका मिल का है। क्या कह रहा है? राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चेत को कुंठित करता है। ये तो इसमें जो सही उत्तर है वो दोस्तों है आपका ए का थ्री। देखिए कह रहा है कि हाफ्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का संबंधकर्ता माना है इसमें, या उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है, या कथन किसका है? तो वो है वेपर महोदय का। अगला देखेंगे, टू ट्रीज जेज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई है। पहले ट्राइज यानी निबंध का प्रतिपाद्य विषय था, क्या विषय था? तो रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। अगला देखेंगे, कथन को इस ए के साथ बी का मैचमेट करना है। तो पहला क्या कह रहा है कि प्रत्येक न्यायसंगत सरकार प्रजातंत्रात्मक होती है, ये रूसो का है। रूसो स्थित गणतंत्र में पैदा हुआ था। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है बी, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसे किसने सुझाया कि नागरिक को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए, या कथन किसका है? तो वो है रूसो का। राज्य की प्राकृतिक और उसके कार्यों का की उदारवादी अवधारणा को सर्वाधिक देख सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला है वो है जॉन लॉक, ठीक है। अगला देखेंगे, यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया है? तो वो दिया गया नैतिकता के, नैतिक पर, ठीक है। इसी कड़ी में मैचमेट करेंगे, मिलान करेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। तो धर्मपेच जो शब्द है वो है, ठीक है, मैकियावेली से। और फिर उसके बाद जो सहमति का सिद्धांत है वो है आपका जॉन लॉक से। व्यक्तिवादी सिद्धांत है हॉब्स से। और स्वतंत्रता का सिद्धांत है रूसो से, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपके चारों मैच हुए। टू ट्रीज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है लॉक, जॉन लॉक है। अगला देखेंगे, निम्न से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया है? तो है सेंट थॉमस एक्विनास ने। इसी कड़ी में आगे चलेंगे, ठीक है। मनुष्य जन्म के से स्वतंत्र पैदा हो परंतु सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा होता है, यह कथन किसका है? तो रूसो का है, ठीक है आपको, ठीक है। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक आपके अरस्तु हैं। यहाँ पे द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली हैं, ठीक है। और फिर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? रूसो हैं, ठीक है। और फिर ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? जे.एस. मिल। तो इस प्रकार आपके ये पूरे मैच हुए। एक आर के साथ जो सही और गलत बताना है, लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियाँ सीमित है, वहीं आर क्या कह रहा है? राज्य का अस्तित्व जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। तो इसमें जो पहला उत्तर है वो सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो आर है राज्य का अस्तित्व जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति में सुरक्षा है, वहीं लॉक के अनुसार राज्य का कार्य है शक्ति प्रदान करना, ठीक है। अब आगे मैच करेंगे, कुछ विचारधाराएं हैं और उनके कुछ विचारक हैं। जैसे पहला है समान इच्छा, तो समान इच्छा रूसो की इच्छा है। असीमित संप्रभुता किसकी है? ठीक है, तो वह है हॉब्स की। और फिर सीमित सरकार की बात कौन करता है? लॉक करता है। और नौ राजनीतिक विज्ञान की बात करता है कौन? मैकियावेली। अगला देखिए कह रहा है, निम्न में से किसे अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो है गांधी जी को, ठीक है। अगले देखेंगे, निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन के कालक्रम में समझाइए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है हॉब्स, यानी हॉब्स का जो लेवियाथन है वो 1651 में प्रकाशित हुआ था। और आर एल डाल महोदय का मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 को प्रकाशित हुआ था। जेम्स एम बोनम को द कैलकुलस ऑफ कंसेंट 1962 में प्रकाशित हुआ। जॉन रॉल्स का ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के 1971 में प्रकाशित हुआ था। तो ये उसकी प्रकाशन का पूरा रूपरेखा है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है डी,
ठीक है, आगे देखेंगे नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करते हुए सूची पर सूची के सेकंड के साथ मिलान करना है। तो कह रहा है कि प्लेटो, ठीक है, प्लेटो को हम लोग मिलान करेंगे द फेल्सर किंग से, ठीक है, और फिर मिलान करेंगे मैकियावेली को, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक मोरलिटी मोरलिटी से, और फिर अरविंद घोष को मिलान करेंगे सावित्री से, जो बचा आपका हेगल का टाइम स्प्रिट से। ठीक, ये आपके दोस्तों मैच हो गया इस प्रकार आपको मैच करने के, इसका जो सही उत्तर है वो हमारा ए। ठीक, जिस क्रम में राजनीतिक विचारकों ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह सही क्रम क्या है, तो इसमें जो सही है मैकियावेली है, फिर हाब्स हैं, फिर रूसो हैं, फिर मिल हैं। ठीक है, इस प्रकार आपकी देखेंगे। फिर आगे है अल्पसंख्यक मत की समस्या, इनके द्वारा सुझाई गई, किसके द्वारा सुझाई गई, तो लॉक के द्वारा सुझाई गई थी। अगला है प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार क्या था, तो था उत्तम जीवन। अगला है क्वेश्चन, इसमें देखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है, तो यहाँ पे हम लोग मैच करेंगे। तो सबसे पहले है लिखा है प्लेटो, प्लेटो का क्या है दार्शनिक राजा, ठीक है, प्लेटो का दार्शनिक राजा। फिर यहाँ पे देखेंगे जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स का क्या है यहाँ पे निष्पक्षता रूप में न्याय, और फिर बेंथम क्या है, बेंथम क्या है यहाँ पे उपयोगितावाद का सिद्धांत, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, फिर वही अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, ये कार्ल मार्क्स का है। इस प्रकार ये आपके मैच होते हैं, जिसमें जो मैचमेट में है वो जो वो है हमारा बी। व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया, तो रूसो का है। ठीक है, अगला देखेंगे अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया है, तो रूसो ने कहा था, रूसो ने पाया था। अगला देखेंगे, फिर मैच करना है, आपके पाठ पुस्तकें हैं, तो क्या ये सबसे पहले द स्टेट ऑफ मैन, ये द स्टेट ऑफ मैन आपकी, ठीक है, रचना है प्लेटो की, ये सही है। एम्बली रचना जो है, ठीक है, वो रूसो की है, ये भी सही है। ठीक है, ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट ये बेंथम की है, ये भी सही है। आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है, वो मैकियावेली की है, ये भी सही है। तो इसमें जो सही है दोस्तों वो ए है, ए है, ए का कथन पूरा सही है। तो इसमें थोड़ा सा आपका गलत दिया गया है, ठीक है, तो देखिए कह रहा कि द स्टेटस मैन, ठीक, प्लेटो का, फिर एम्बली है आपका रूसो का, ठीक है, फिर उसके बाद ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट ये है आपका बेंथम का, ठीक है, ये बेंथम सामने दिया है। आर्ट ऑफ वार, ठीक है, ये दिया है मैकियावेली को। ठीक, तो इसमें हमारा जो सही है एक दो तीन चार, ठीक, एक दो तीन चार, ये सब सही कर लीजिएगा। आगे है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूटों को उत्तर पर चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है, सबसे पहले दिया गया मानविकी राजनीतिक सिद्धांत का जनक, ठीक है, मानविकी राजनीतिक का जनक प्लेटो है, फिर राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं प्रत्यक्षवाद का जनक, प्रत्यक्षवाद का जनक यहाँ पर हम लोग अगस्त कामटे को मानते हैं, और ये फिर ये आपका सही। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है डी आपका। ठीक, आगे देखेंगे स्टेटस ऑफ नेचर के पर लाख का विचार है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, पूर्व राजनीतिक कहता है इसको बाद। फिर कहता है रूसो के निम्नांकित कृतियों के कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कूटों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दिया, पहली द सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ए डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट्स ऑफ साइंस, फिर एम्बली द डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनक्विटिलिटी, ये दिया गया है, जिसका जो हम लोग सही क्रम में देख लेते हैं। ठीक, ये जो इसका सही उत्तर है ये आपका डी है। पहला है ए डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स ऑफ साइंस, ये 1751 में, फिर ए डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनक्विटिलिटी ये है 1755 में, एम्बली, ठीक है, ये 1762 के अंतर्गत, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ 1762 के अंतर्गत, ये प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार इनकी पाठ पुस्तकें हैं। ये देखेंगे दोस्तों फर्स्ट और सेकंड के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो ऑन लिबर्टी, तो ऑन लिबर्टी की पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक आपके जेस मिल हैं। ठीक है, जे एस मिल, ठीक, पहला है, इसमें देख लेते हैं। चलिए देखिए ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है, जेस मिल हैं। फिर लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल अब्लिगेशन ये है टेज ग्रीन का, और आइडिया ऑफ जस्टिस अमर सेन का, एनार्की स्टेट ऑफ यूटोपिया ये रॉबर्ट नॉजिक का है। इसका जो सही मैचमेंट है वो है डी आपका। ठीक, आगे देखेंगे सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है, तो हम लोग यहाँ पे मिलान करके देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक कर्तव्य एक वर्ग एक कार्य के रूप में न्याय, ठीक है, तो ये आपका प्लेटो का है। उचितता के रूप में न्याय ये रॉल्स का है। अनुपातिक समानता के रूप में न्याय ये अरस्तु का है। शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय ये थ्री मेकर्स का है। तो इसमें जो सही उत्तर आपका है वो डी आपका डी है। ठीक है, फिर आपको फिर मैच करना है, यहाँ मिलान करना है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। फिर क्या कह रहा है कि बी, इसका जो सही उत्तर है वो बी। ठीक है, तो हम इसको मैच करेंगे। अविच्छिन्न शांति ये कांट का है, ठीक, कांट महोदय का। फिर स्वर्णिम संतुलन, ठीक है, ये अरस्तु का है। फिर कह रहा है गुफा का सदृश, ठीक है, गुफा का सदृश आपका प्लेटो का है। और फिर बच्चा स्त्री के रूप में भाग्य ये है आपका मैकियावेली का। तो इसमें तो आपका सही है।
आगे देखेंगे समान इच्छा से अभिप्राय है, ठीक है। तो वास्तविक इच्छा को ही हम लोग समान इच्छा की बात करते हैं रूसो का कथन में। आप यहाँ कथन ही और आपको मैचमेट करके देखना है। कह रहा है कि सामाजिक संविधान में संप्रभु सरकार स्थापित की थी, ठीक है। फिर आर क्या कह रहा है, नागरिकों को सभी कानूनों का पालन करने अथवा किसी भी प्रकार की सरकार को स्वीकार करने का पूर्ण बाध्यता है। जिसमें जो सही उत्तर है वो है आपका सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ठीक है। आर यहाँ पे गलत हो रहा है कि सामाजिक समझौता से संप्रभु सरकार स्थापित की थी। किसने की थी वो आपको बताना है, ठीक है। जॉन लॉक ने की थी। आगे है देखेंगे, करा कि यह किसका कथन है कि जे रूसो, ठीक है, यानी जेकोबियन निरंकुश तंत्र और सिजेरियन तानाशाही का जनक है तथा उसने कांट एवं हेगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेत किया है। तो ये था ड्यूगेट महोदय का। अगला देखेंगे इसमें, नागरिकों को किसने शासक के नागरिक जीवन का सहभागी और बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है, वो अरस्तु ने किया है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक सिद्धांत नाम मात्रवाद पर आधारित है, वो है हाब्स का, उसका राजनीतिक सिद्धांत नाम मात्र पर आधारित है। फिर 38वां है, जॉन लॉक रचित टू ट्रीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किस पर समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है, तो वो किया गया था दोस्तों फिल्मर का, थिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम और सहानुभूति और सामंजस्यपूर्ण बनाया है। इस कथन की पैरवी किसने की थी, तो रूसो ने की थी। अगला देखेंगे, लॉक के निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का खंडन किया है, तो वो किया है हॉब्स के लेवियाथन का, ठीक है, लॉक ने किया था। फिर कौटिल्य के रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है, ठीक है, वो है आपका सी, ठीक है, यहाँ पे सिक्कों का निरीक्षक। आगे है देखिएगा, रूसो ने एकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था। तो रूसो को किस विषय के, क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया, इस विषय पर उसे निबंध में पुरस्कार मिला, 1749 के अंतर्गत मिला था। आगे देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यता दार्शनिक उपागम का संस्थापक माना जाता है, तो प्लेटो और अरस्तु को माना जाता है। फिर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया कि नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना उपयुक्त सभी केवल आम जनता के भले के लिए है, यह कथन है जॉन लॉक का, ठीक है। 144 श्रेष्ठ परिषद यानी नोक्ट्रिनल काउंसिल का उल्लेख प्लेटो ने किस में किया है, तो वो किया है द लॉज में। कह रहा कि निम्न से किसने अनुसार विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है कि दर्शन केवल बौद्धिक रुकावट है, शिष्ट जीवन के सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं, तो ये है जे मिलकर, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें, ठीक है, तो अरस्तु भाग गया था, ठीक। क्या कह रहा है, निम्नलिखित से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध कोई दूसरा अपराध न कर दे, तो अरस्तु था। अगला है, मैच करना है फर्स्ट को सेकंड सूची के साथ, तो इसमें देखिए हम लोग मैच करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे उसका उत्तर सही देख लेते हैं, वो डी है, ठीक है। ए का तीसरा कह रहा है, ए का देखेंगे पहला, ये सही है, ठीक है। फिर बी का आपका तीसरा है, ठीक है, ये देखेंगे। लॉक के कह रहे संवैधानिक सरकार को सीमित रूप है। फिर सी का आपका चौथा है, रूसो है, ठीक है। दावा की संप्रभुता का मूल्य लोगों में समाहित है और लोगों के पास रहेगा, जेस मिल का आपका दूसरा है, ठीक है। व्यक्ति के विचार तथा अव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं पर पुनरुद्धार नहीं किया, तो हॉब्स के, हॉब्स जैसा था उसको नहीं किया, अपने हिसाब से उसने किया। आगे देखेंगे, अंतिम में हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है, तो है लॉक का। तो दोस्तों ये आपके पूरे 150 क्वेश्चन हुए, तो अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर कोई दिक्कत हुई है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।